हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल टाउन ब्लॉग। और आज मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी RS 200 के साथ। और मेरे पास आज टाइम था, ऑफिस से भी लीव है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज क्यों ना छोटा सा विजिट हो जाए, थोड़ा घूम लिया जाए, अपना टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो मैं स्पेंड करने के लिए आज जा रहा हूँ देहरादून। मैं देहरादून विकास नगर के अंदर, विकास नगर जो जहाँ पे डाक पत्थर है, काफ़ी फेमस जगह है, तो मैं उस जगह को थोड़ा सा ऐसी घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी ड्यूटी तो है नहीं। वैसे भी बैरियर पे ही ड्यूटी है मेरी, तो मैं वैसे आर्मी से बिलोंग करता हूँ, और अभी टाइम है तो मैंने कहा ड्यूटी नाइट को शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट के दौरान मैंने कहा थोड़ा सा आज अभी डे का टाइम है तो घूम ले जाए, और इसीलिए मैं थोड़ा चलते हैं राइड पे। बाकी वीडियो अच्छी रहेगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा जो न्यू एक्रोपोविक का मैंने इस पे साइलेंसर लगाया हुआ था, पर साइलेंसर में थोड़ी एक चीज़ की दिक्कत आ गई, जो इसका डीवी कलर है वो डीवी कलर थोड़ा इससे मतलब कि बाहर आ चुका है, मतलब डीवी कलर वहाँ से निकल गया। अभी देखते हैं, शायद नेट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा आउट एरिया थोड़ा घूमने के लिए। थोड़ा मैंने कहा अपने एरिया के थोड़ा सा विजिट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे शनि मंदिर है, काफ़ी मान्यता भी है शनि मंदिर की, और काफ़ी बढ़िया भी है। वैसे एक बात तो है, इस गाड़ी में मतलब और गाड़ियों के हिसाब से पल्सर RS 200 के अंदर पावर बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा जान भी है, काफ़ी पावर भी है, परफॉर्मेंस सही है, काफ़ी मस्त साउंड भी है। एक बात तो है यहाँ की, अगर आप कभी HP के अंदर आओगे तो HP में आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी कि जो यहाँ की पुलिस है वो बहुत तगड़ी है। अगर आप की गाड़ी पे अगर नंबर प्लेट नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी UK की है, या फिर आपकी गाड़ी पे ये कुछ अपने मॉडिफाइड करी हुई है, ओ भाई, या आपने कुछ साइलेंसर वगैरह चेंज किया हुआ है, तो आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पे HP के अंदर। और चलो मेरा तो ऐसा कि मुझे अगर इंडियन आर्मी के नाम से भी फ्री है कि गाड़ी भी इंडियन आर्मी वाली है, तो उतनी दिक्कत नहीं आती है मुझे। जैसे पेपर वेपर में देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है। अब चलते हैं थोड़ा सा देहरादून के अंदर, UK के अंदर। UK में मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा डाक पत्थर काफ़ी फेमस है, तो डाक पत्थर का विज़िट करके आते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, ऑफिस से भी जल्दी निकल गया, आज थोड़ा सा टाइम से मैं निकल गया, तो मैंने कहा चलो फ्री टाइम पे एक ब्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, इतना अच्छा तो नहीं होगा, पर हाँ अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगा। ये रहा HP का बैरियर, जिसको क्रॉस करने के बाद आप HP के अंदर एंटर होंगे। ओ भाई, मारेगा क्या भयंकर। और ये रहा HP का पुल, हिमाचल प्रदेश का पुल। और ये यहाँ की वादियाँ, काफ़ी शानदार व्यू आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है HP के अंदर। यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, इसको घूमने के लिए काफ़ी लोग मतलब दूर दूर से आते हैं, मान्यता है गुरुद्वारे की अपनी। बट एक बात तो है, मतलब जो भी सरदार जी लोग हैं, उन्होंने क्या करा है कि जो भी ये गुरुद्वारा है, इन्होंने क्या करा है, सबसे लास्ट में ही गुरुद्वारा को बना रखा है। जैसे कि आप कहीं भी चले जाओ, जो लास्ट बॉर्डर होगा गुरुद्वारा वहीं होगा, लास्ट बॉर्डर की तरफ ही गुरुद्वारा होते हैं, मतलब अंतिम छोर पर ही गुरुद्वारा होंगे। आप देख सकते हो अभी ये दोबारा से फिर दूसरी पुलिस बैरियर आ चुका है HP का। भाई बहुत सख्ताई है यार, चाहे आप देहरादून पुलिस की बात करो, चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की बात करो, काफ़ी सख्ताई है। उत्तराखंड में तो देहरादून में ही ज़्यादा है, बाकी जगह तो इतना सख्ताई का कुछ सीन वगैरह तो कुछ है नहीं, पर हाँ इधर बहुत ज़्यादा है। अभी निकलते अब देहरादून की तरफ। इस बाइक का क्रेज कुछ ज़्यादा है इंडिया के अंदर, भयंकर RS जो गाड़ी है बहुत तगड़ा क्रेज है भाई। येलो थोड़ा, काफ़ी टाइम से गाड़ी भगाई नहीं है, आज हो जाए। ठीक है।
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
ये गाड़ी इसलिए फेवरेट है कि मेरी पावर परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, और थोड़ा नॉइस इसलिए ज़्यादा है गाड़ी के अंदर क्योंकि साइलेंसर काफ़ी आवाज़ कर रहा है इसका, क्योंकि डीबी किलर थोड़ा हट गया यहाँ से। अभी फिटिंग करवाऊँगा, देहरादून जाना पड़ेगा मुझे घंटा घर पर, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है देहरादून घंटा घर पर, मुल्ला बिल्डिंग, उधर ही जाके ये काम होगा। पर वहाँ जाने के लिए अभी तो टाइम है नहीं, वैसे देखते हैं, कल प्लानिंग बन तो रही है मुझे जाने की, अगर प्लान बना तो एक राउंड घूम के तो पक्का ही आऊँगा और एक ब्लॉग शूट वहीं के लिए हो जाएगा अगर प्लान बना तो। वैसे लग तो रहा है जाना तो है वैसे, बट एक टाइम है। और यहाँ पे आपका जो डाक पत्थर है वो ये रहा, जो उत्तराखंड वाले एचपी वाले इस डाक पत्र से विज़िट करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उसका पूरा सीन, उसका पूरा व्यू यहाँ पे है। यहाँ से आप अंदर के लिए मुड़ जाओ तो ये रहा पार्क, जिस पार्क में आपको 5 रुपये का ज़्यादा टिकट पड़ेगा, आप इस टिकट पे घूम सकते हो। और यहाँ पे है पुलिस की सिक्योरिटी बड़ी शेट, बोले तो ख़तरनाक सिक्योरिटी है भाई। मैं चलता हूँ इसके अंदर, हो भाई पुलिस भी देख रही है भाई, यहाँ तो फ़ोन चलाना ही अलाउड नहीं है, बहुत टफ है भाई फ़ोन चलाना, क्योंकि लोग काफ़ी लोगों ने सुसाइड किए हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। कुछ सिक्योरिटी का रीज़न भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो एकदम से कहीं खींच नहीं सकते, बट यहाँ पे मना है क्योंकि ये सिक्योरिटी का एरिया, क्योंकि HP और UK को जोड़ने वाली यही एक जो बैरियर है वो यही है जो दोनों जगहों को जोड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो सामने आपको बैरियर दिख रहा होगा, तो इधर से काफ़ी लोग जो स्मगलिंग का सामान आता है तो इधर से ही करते हैं लोग इधर के अंदर के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे मना किया कि कुछ भी सिक्योरिटी ऐसे लीक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे फ़ोन अलाउड बिल्कुल बंद है। बट मैंने तो कैमरा हेलमेट पे यूज़ किया हुआ है, बट रोका तो अभी है नहीं, बट जाते हुए क्या भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाते हुए रोक भी सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कोई सीन क्रिएट, बट देखते हैं गाइज। आप लोगों को मुझे यहाँ का व्यू दिखाना था तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी अफोर्ड कर लूँगा। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चलते हो तो आप हिमाचल के अंदर एंटर हो जाओगे, और राइट चलते हो तो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि आगे गांव है, इधर का तो ज़्यादा व्यू नहीं है बट गांव है। ओके भाई, ओके ओके ओके, और ये रहा गाइस यहाँ का व्यू, जो ये पूरी नदी है, जो ये पूरा ये रिवर है, पूरा ये बना रखा है इन्होंने, इसके अंदर यहाँ पर जो आर्मी के जवान है, आर्मी के जवान इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए आता है, यहाँ पर बीच में ट्रेनिंग होती है 6 मंथ के अंदर अराउंड अराउंड ट्रेनिंग होती है, पैरा वाले या जो भी SF वाले हैं, ये ट्रूपर हैं, जो भी आते हैं वहाँ पे पानी के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी गहरा पानी है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर क्या होती है ट्रेनिंग करते हैं ये। काफ़ी लोगों ने अभी यहाँ सुसाइड किया हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ कि ये जाली वगैरह सेट कर रखी है कि कोई बंदा यहाँ पर आके ये कुछ उल्टा सीधा हरकतें ना करे, तो पूरी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया इस जगह पर। और यहाँ से आगे आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ का पानी है, तो यहाँ के पानी से ना बिजली का जो निर्माण है वो हो ही रहा है एक्चुअल में, ये आप देख सकते हो पूरी बिजली के लिए लगा हुआ पूरा प्लांट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ताकि जो ये बिजली है ये HP के अंदर और UK के अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सके। और अगर HP के अंदर यहाँ से ट्रांसफ़र होती बिजली, तो ये HP का ही बैरियर होते सारे, तो इधर से वहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने HP के लिए कि पर जो बिजली का 150 की यूनिट है वो फ्री दे रखी है, और UK के अंदर उल्टा है, UK के अंदर कोई फ्री का सीन नहीं है, बस ये है कि बस ज़्यादा रेट है। और ये देखो गाइस जो यहाँ का व्यू है, व्यू का सीन ये रहा पूरा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा इधर देखने में भाई, मुझे तो बड़ा सट मज़ा आ रहा है देखने के लिए कि जगह यहाँ पर ऐसी है ना कि बंदा अगर बैठेगा ना नदी किनारे तो एकदम से ऐसा लगता है कि भाई जन्नत में बैठे हुए हैं। और मैं इसीलिए आज फ्री टाइम पे आया इधर कि मुझे आपको दिखाना था यहाँ पे कि यहाँ क्या एक्चुअल में है क्या सीन। ये देखो गाइस काफ़ी बढ़िया सा इन्होंने बना रखा है जॉइंट, और ये जॉइंट भी क्या है कि HP और जो UK है उन दोनों को जोड़ता है।
एचपी और जो यूके है उन दोनों को यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर आए। बट लोगों ने ना काफ़ी इस जगह को वो कर दिया है, मतलब कि जैसे कुछ चीज़ भेजनी हो स्मगलिंग का सामान वगैरह तो इधर से ही आता है, क्योंकि इधर थोड़ा सिक्योरिटी कम है, रात को ही लगती है ज़्यादा, पर रात को भी इतना नहीं है, नॉर्मल है। ये एंटर हो गए हम अब यहाँ से डाकपत्र, डाकपत्र से विकास नगर, और विकास नगर से आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। ये रहा यहाँ का पूरा व्यू, ये देखिए भाई, यहाँ से जो पानी है ना यही एचपी के अंदर जाता है, ये इधर से सामने होके और एचपी के अंदर एंटर करता है, और यही पुल है यहाँ का। कुछ सिक्योरिटी का रीज़न बड़ा है तो कोई मेरी गाड़ी ना रोके यार, ये कैमरा लगा रखा है। ओ भाई ये बाहर पर ही है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 बाहर पर ही है यार, ये तो मैं क्या करूँ, बाहर पर है, मुझे थोड़ा रेस भी नहीं दे सकता यार, पिकअप दूंगा तो रोक लेगा। चलो यार भाई अच्छा ही हुआ उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, निकल गया भाई। तो गाइज़ ये था आपका विकास नगर डाक पत्थर, जो आपने अभी देखा, बड़ा अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बड़ा सेट व्यू है। ये है गाइस डाक पत्थर, काफ़ी फेमस जगह है डाक पत्थर, जो देहरादून और विकास नगर के, जो देहरादून का विकास नगर है उसको और जो एचपी को दोनों को जोड़ता है, ये उसके बीच की जगह है। काफ़ी शानदार जगह है, रिवर है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन जगह है, आप देख सकते हो भाई, सेट पुल भी है यहाँ पे, पूरा ये बैरियर है यहाँ का, ये नदी है, बहुत प्यारी सी जगह है।